प्रधानमंत्री मोदी कर रहे ग्लोबल इकोनॉमिक समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं संबोधित। अडानी अंबानी समेत वैश्विक स्तर के उद्योगपति हुए शामिल। हरियाणा के सोनीपत में नकली शराब का कहर, नकली शराब ने ली 31 लोगों की जान, 2 अवैध शराब फैक्ट्रियों पर नकेल। आखिरी दिन नीतीश ने खेला कैप्टन कार्ड, तेजस्वी का दावा, बदलाव के लिए बिहार की जनता ने बना लिया मन। भारत चीन सीमा पर तनाव में कब आएगी कमी, आज फिर होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत, चीन को कड़ा संदेश देने को तैयार भारत। दुनिया की नजर अमेरिकी चुनाव नतीजों पर, जीत से सिर्फ एक कदम दूर है, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप बोले बंद करो गिनती। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बता दें कि मामले 83 लाख पहुंच गए हैं। सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की। विदेश से भारत आने वालों के लिए क्वारंटीन सेंटर और होम क्वारंटीन की शर्त, जरूरी यात्रा से पहले एयरलाइंस को देनी होगी स्वास्थ्य की जानकारी। दिल्ली में धुंध से लोग परेशान, प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी पर पहुंचा, जानलेवा बना कोरोना और प्रदूषण, सांस लेने में लोगों को हो रही है दिक्कत। गैस एसआईटी ने बकरू कांड की रिपोर्ट सौंपी, 80 पुलिस प्रशासनिक कर्मी प्रारंभिक रूप से दोषी ठहराए गए। जो बाइडेन की जीत की उम्मीद से चढ़ा संसद, शुरुआती कारोबार में 500 अंक से अधिक चढ़ा। दिल्ली में बड़ा वायु प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। हरियाणा में 3 दिनों में गई 20 लोगों की जान, पुलिस को नकली शराब पीने से मौत का शक। फास्टैग यूजर्स के लिए खबर, कल से बंद रहेगा ICICI बैंक का फास्टैग वॉलेट, इसकी वजह से ICICI फास्टैग वॉलेट को रिचार्ज नहीं किया जा सकेगा। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरकर अंबाला में लैंड हुए 3 राफेल, 5 जेट पहले से ही आ चुके हैं भारत। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 450 के पार, NCR में बिगड़े हालात। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से ठीक हो रहे लोग 92.9% मामलों में हुई रिकवरी। आज जम्मू दौरे पर रहेंगी PDP मुखिया महबूबा मुफ्ती, पार्टी नेताओं से करेंगी मुलाकात। दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर, मॉर्निंग वॉक पर कम निकल रहे लोग। जीत के काफी करीब पहुंचने पर बोले बाइडेन, प्रक्रिया और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखे। मिशिगन में हुई जो बाइडेन की जीत, मिले 6 इलेक्टोरल वोट। जो बाइडेन ने भी किया जीत का दावा, कहा विश्वास है कि हम विजयी होंगे। व्हाइट हाउस के लिए टफ फाइट के बीच बोले बाइडेन, हम पर्याप्त वोट जीत रहे। ट्रंप की जीत के दावे पर जो बाइडेन ने साधा निशाना, कहा लोग करते हैं तय। मिशिगन में मतगणना रुकवाने के लिए कोर्ट गया ट्रंप खेमा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एरिजोना में जीते बाइडेन, मिले 11 इलेक्टोरल वोट। कोलकाता के दिवंगत बीजेपी नेता मदन घोराई के परिवार से मिले अमित शाह। ट्रंप ने लगाया बड़ा आरोप, कहा पेंसिल्वेनिया में गायब हुए 5 लाख वोट। ट्रंप ने वोटों की गिनती पर उठाए सवाल, कहा कल जहां जीत रहे थे वहां अचानक पीछे कैसे। देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर शिवराज सरकार ने लगाया बैन। रायबरेली में तेज रफ्तार ने ली जान, तेज रफ्तार पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, एक युवक की मौके पर हुई मौत, पिकअप चालक ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। कानपुर में पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस के पहुंचने पर दबंगों ने किया पथराव, झगड़े में 2 लोगों की हालत नाजुक, कई लोग घायल। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के मतदान के लिए जेई नहीं पहुंचा ड्यूटी पर, जेई EVM मशीन लेकर हुआ गायब, नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। SOG और पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी वाहन चोर बदमाश इमरान गिरफ्तार, फरार बदमाश की तलाश में कॉबिंग जारी। UP के रामपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक की हालात नाजुक, हायर सेंटर किया रेफर। हरदोई जिले में पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई, 24 घंटे में 28 किसानों पर दर्ज हुई FIR, पुलिस ने किसानों पर लगाया 30,000 का जुर्माना। मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य गणेश दत्त मिश्रा समेत 2 पर केस दर्ज, फर्जी जमीन की खरीद फरोख्त मामले में केस, सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नेहा कक्कर पर चढ़ा पति की मेहंदी का रंग, पति रोहन संग सेलिब्रेट किया करवा चौथ। देवीना से काम्या तक सभी TV एक्ट्रेसेस ने सज धज कर मनाया करवा चौथ। हरियाणवी डांसर और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी सपना चौधरी ने भी शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाया, पहली बार पति संग दिखी सपना चौधरी, शेयर की करवा चौथ की तस्वीरें। उदित नारायण के हिट गाने पर शादी में डांस करेंगे आदित्य, बताया प्लान, दोनों की शादी
शादी की तैयारियां हो गई हैं शुरू। करवा चौथ के बाद कपूर परिवार ने किया फैमिली डिनर, सभी ने मनाया करवा चौथ, रिधिमा ने शेयर की फोटो। चलाएंगे डायरेक्टर हसल मेहता बोले, मैं जहां भी हूं उसमें राजकुमार का बड़ा योगदान। शिल्पा से रवीना तक करवा चौथ पर छाया बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का ट्रेडिशनल लुक। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान के फैसले पर पहली बार बोला चीन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग अंतिम चरण में चल रही है। अभी तक के सर्वे के अनुसार जो बाइडेन को इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों का समर्थन। कोर्ट तक आई चुनावी नतीजों की लड़ाई, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का किंग। दक्षिण कोरिया में काम के प्रेशर से 14 डिलीवरी कर्मियों की मौत, 21 घंटे कर रहे थे काम। शादी से पहले वरुण धवन के लिए गर्लफ्रेंड नताशा ने रखा करवा चौथ का व्रत, लाल जोड़े में आई नजर। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका के मैनेजर करिश्मा को दूसरे दिन एनसीबी का समन, होगी पूछताछ। बिग बॉस 14 में निक्की पर फिदा जान सानू, क्या सिंगर की माँ को पसंद है दोनों का रिश्ता।